अन्न के बाजार को बड़े कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने वाले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को लेकर करीब प्रेस वार्ता। रामनगर में किसान अध्यक्ष दीवान कटारिया के नेतृत्व में 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर की एक प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि पिछले 10 माह से देश के किसान, देश की खेती किसानी और अन्य के बाजार को बड़े कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने वाले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के वाड्रोवा देश भर में संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं। यह आंदोलन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपने चहेते कारपोरेटों के हाथ देश के संस्थानों, प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी व उन्हें लंबे समय के लिए किराए पर चढ़ाए जाने के खिलाफ भी है। इस सरकार ने 155 वर्षों के संघर्ष के बल पर प्राप्त आम अधिकारों को खत्म कर मजदूरों की नई गुलामी के 4 श्रम कार्ड बिल पास कर दिए हैं। वहीं दीवान कटारिया ने बताया कि सरकार ने खुदरा बाजार में 100% FDI के जरिए देश के खुदरा बाजार पर कारपोरेट हमला तेज कर दिया है। पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में भारी लूट, महंगाई, देश में खत्म होते रोजगार या शिक्षा व स्वास्थ्य के निजीकरण के कारण उनका आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, जिसकी वजह से भारत बंद देश के सम्मुख खड़े इन सभी सवालों को संबोधित कर रहा है। ये हमारा जो संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे भारत बंद का पूरे देश के अंदर आह्वान है। हमारा जो किसान लगभग 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि ये मोदी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, इसको जगाने के लिए ये किसानों ने एक भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से किसानों का के साथ साथ हर वर्ग का किसानों को भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है। उसको देखते हुए ये रामनगर, नैनीताल जिला, ऊधम सिंह नगर और हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर भी ये बंद का वो किया जा रहा है, जिसमें कि सारे जितने व्यापार मंडल हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन हैं, ये सारी भरपूर किसानों को सहयोग मिल रहा है। और हमारी अपील है हर वर्ग से, हर व्यापारी से, हर सहयोग से हमारा समर्थन करें। और इस जो महंगाई आज देश के चरम पर है, महिलाओं को रसोई चलानी मुश्किल हो गई है और किसानों को खेती करनी मुश्किल है, आम आदमी को जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। इस महंगाई को देखते हुए और किसान आंदोलन को, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, किसान सड़कों पर है। अभी तक 700 के लगभग हमारा किसान बॉर्डरों पर शहीद हो चुका है, जिसको देखते हुए इस सरकार को जगाने के अलग से ये बंद का हमारा वो किया जा रहा है।